वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो लोग खड़े हैं उनसे विनती करूंगा कि वो बैठ जाएं। और बैठे खड़े होने के लिए, हम यहाँ जो बैठ रहे हैं तो बैठने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, बल्कि हम यहाँ बैठ रहे हैं ताकि हम हमेशा के लिए एक साथ खड़े हो जाएं और उन लोगों को नीचे बिठाएं जो कुर्सियों पर बैठे हुए। हमको असल में बैठना है उनको नीचे उतारने के लिए। हम तो खड़े हो चुके हैं, हम खड़े रहेंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक कि इन सबको जो उनकी कुर्सियों से नीचे नहीं उतारते। तो दोस्तों, मैं बात आपसे ये कर रहा था कि हमारा सिर्फ दुश्मन एक नहीं है, बल्कि हमारी आइडियोलॉजीज भी एक है, हमारे विचार भी एक है, और इन विचारों के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो भी दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकेगी। दोस्तों, नजीब के ताल्लुक से बहुत सी बातें आई। मैं पुलिस वाले हमारे जो दोस्त खड़े हुए हैं, उससे पहले भी जो वो रास्ते में जब आए थे तो बड़ा लॉ एंड ऑर्डर बता रहे थे। मैं उनसे बहुत खुले तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इस बात को समझिए, इस माँ के दर्द को समझिए जिसका बेटा 40 साल से गायब है। मैं यहाँ बैठे एक एक पुलिस वाले से कहता हूँ कि आपका बेटा भी वो हो सकता था, आपको इस बारे में विचार करना चाहिए। अगर आपकी वर्दी आपसे एक बात कहती है कि आप हमारे से लाइन के उस पार खड़े रहे, तो आपका जमीर आपसे कहता होगा कि लाइन के इस पार भी खड़े रहे। आप जहाँ इस वक्त की बात सुने, वहाँ इस जमीर की बात सुने। ये सरकार में आप जो पब्लिक सर्वेंट है, आप जो लोगों के सर्वेंट है, आप सरकार के, स्टेट के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सर्वेंट नहीं है। हो सकता है कि आपकी वर्दी आपको वहां खड़ा करिए, लेकिन आपका दिल हमारे साथ होना चाहिए, आपका जमीर हमारे साथ होना चाहिए। अगर ये आपके साथ है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और अगर नहीं है तो यकीन जानिए कि दिल्ली पुलिस में और आप में कोई फर्क नहीं बचेगा। उसके बाद जिस तरह नजीब के साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी होगा। मेरे साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, आपके घर वालों के साथ हो सकता है, तो इससे पहले कि किसी और के साथ हो, हमको खड़े होना पड़ेगा। दोस्तों, ये जो आंख होती है इसके बारे में समझना होगा, ये जो फाशीवाद है ये आंख की तरह है, और आंख जब फैलती है तो वो ये नहीं देखती कि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है, ब्राह्मण का घर है या दलित का घर है, अपर कास्ट का घर है या लोअर कास्ट का घर है, बल्कि आंख जब फैलती है तो हर किसी को जलाती है। दोस्तों, मार्टिन लिलीमोर ने एक बात कही थी, वो बात मैं आपके सामने रखना पड़ूंगा। हिटलर के जमाने में, होलोकॉस्ट में जब हिटलर ने हजारों लाखों की तादाद में ज्यूस को कत्ल किया, तो उस वक्त मार्टिन लिलीमोर ने एक पोयम लिखी। मार्टिन लिलीमोर लिखते हैं कि सबसे पहले वो ज्यूस को मारने के लिए आए, लेकिन मैं खामोश बैठा था क्योंकि मैं ज्यू नहीं था। उसके बाद वो कम्युनिस्ट यूनियंस को मारने के लिए आए, लेकिन मैं खामोश था क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं था। उसके बाद वो सोशलिस्ट को मारने के लिए, मैं चुप रहा क्योंकि मैं सोशलिस्ट भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जब वो मुझे मारने आए तो मेरे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, आज अगर हम नजीब के लिए खामोश रहते हैं तो कल ये चीज हमारे साथ होगी। आज ट्रेनिंग में हुआ, कल मुंबई यूनिवर्सिटी में हो सकता है, रोहित महमूला के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये कहानी आगे बढ़े, इससे पहले कि ये सिलसिला आगे बढ़े, हमको आगे उठना होगा और इस दुनिया को बताना होगा कि हम अब खामोश रहने वाले नहीं है, अब हम चुप रहने वाले नहीं है, बल्कि हम जो वो इस सिस्टम को खुदेड़ के रहेंगे। हम एबीवीपी को बंद नहीं करना चाहते, बल्कि हम एबीवीपी से आगे जाके उस मानवता को, उनकी उस मानसिकता को खत्म करना चाहते हैं। एबीवीपी हमारा टारगेट नहीं, एबीवीपी के लोग तो पागल है, उनसे कोई क्या डील करेगा। हम असल में उस मानसिकता को डील करना चाहते हैं, और हमारे वो दोस्त, हमारे वो साथी जो एबीवीपी के मेंबर्स हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, उनसे बात कहूंगा कि वो दिल से सुने इस बात को। वो दिल से, मैं अपील करता हूँ, और दिल से मेरी इस बात को सुने। दिमाग में इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास दिमाग है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि दिमाग होती तो एबीवीपी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात बहुत क्लियर है, आखिर उस लोगों के पास कौन जाएगा जिसके गुरु गोलाल का ये कहते हैं कि अंटार्कटिका पहले बस कोई जो बिहार में था और वो शिफ्ट होकर जो ऊपर हो गया। ऐसे लोगों के पास कौन जाएगा ये कहते हैं कि हजारों साल पहले रामायण महाभारत के जमाने में हम लोग प्लेन में उड़ा करते थे, ऑपरेशन भी हमने बनाया। तो दिमाग तो आपके पास क्या नहीं है, लेकिन अगर दिल आपके पास होगा तो इस दिल से बात सोचिए कि नजीब मुसलमान का छोड़ दीजिए। अगर कल आपके साथ ये चीज हो जाए तब भी क्या आप ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे, तब भी क्या आप ऐसे ही खामोश बैठ के दिखते रहेंगे, तमाशा देखेंगे, या आपके अंदर कुछ मानवता जागेगी, आपका दिल रोएगा, आपका दिल तड़पेगा। दोस्तों, आज एबीवीपी बीजेपी के पावर में है, तो ये कुर्सी जो है वो तुम्हारे बाप की जागी नहीं है, परमानेंट तुम्हारे पास रहेगी। 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर चला जाएगा, उसके बाद चली जाएगी, ये कोई परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि हमारे पास सत्ता है, ताकत है, तो हम सबको खत्म कर देंगे, तो उनको समझना पड़ेगा कि ये जो बात शायर ने कही थी कि किरायेदार है जो आज साहेब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहेब मसनद है कल नहीं होंगे, किरायेदार है जाती मकान थोड़ी है। ये तो आप रेंट पे इस कुर्सी पे आए हुए, आपने परमानेंट खरीद नहीं लिया पीएम की पोस्ट, ये बात हम बताना चाहते हैं। एक और चीज जो आगे मैं रखूंगा आपके सामने, वो ये कि ये जो फासिस्ट लोग है ये बात को समझ ले कि आप मारधार करके, आप दंगे करके, आप लोगों को किडनैप करके जो खत्म नहीं कर सकते। 10 साल तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर बहुत दंगे करा लिए गुजरात में, क्या हो गया, खत्म हो गया मुसलमान गुजरात से, नहीं खत्म कर सके। आपके बाप भी उठाते ही खत्म कर लिया, नहीं देख सकता खत्म, चलिए कितने सालों से आप, हजारों सालों से उनका अत्याचार करें, क्या आप अंबेडकर की आवाज को दबा सके, क्या आप दलित आवाज को दबा सके, मारधाड़ करके, दंगे करके, फसाद करा के आप कुछ खत्म नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी खबर में जो पूछे वो ताबूत में आखिरी खेल ठोक ले, आप जल्दी खत्म होंगे। दोस्तों, आखिरी चीज, हमारे और भी बहुत से लोग हैं जो बात रखेंगे, मैं बस आखिर इस बात के साथ गुफ्तगू खत्म करूंगा अपनी,
कि दोस्तों हम जो यहाँ साथ आए हैं तो बस इसको एक इवेंट नहीं रहने दे, इसको बस एक प्रोटेस्ट मार्च के तक नहीं रहे, बल्कि यहाँ से हम जब आगे बढ़े और उस वक्त तक आगे बढ़े जब तक इस देश के एक एक रोहित को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक इस देश का एक एक नजीब वापस नहीं आ जाता। ये नजीब तो एक सिंबल है, कश्मीर में ऐसे हजारों नजीब है जो गायब है, झारखंड में आसाम में हजारों नजीब है जो गायब है, मुसलमानों का तो आतंकवादी बोल के मार दो, दलित है तो माओवादी नक्सलवादी बोल के मार दो, यानी कि बस किसी एक को उसकी आइडेंटिटी का जोड़ दो और खत्म कर दो। ये सारा गेम है और ये गेम क्यों है दोस्तों, उनको मालूम है कि अगर हम एक साथ आ जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। तो चाल ये होती है कि किसी को मुस्लिम और टेररिस्ट का टैग लगा दो, किसी को माओवादी का टैग लगा दो, किसी को नक्सलवादी का टैग लगा दो, किसी को एंटी नेशनल का टैग लगा दो, इस तरह कम्युनिटी लोगों को जो अलग अलग सेक्शन में बांट दो, एक एक से लड़ो। दोस्तों आज हमको बताना है कि आज हम मुंबई यूनिवर्सिटी में जमा हो गए, हम इस यूनिवर्सिटी की किस्मत को बदलेंगे, हम इस देश की किस्मत को बदलेंगे, इस शहर की किस्मत को बदलेंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे, एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जहाँ कास्टिज्म नहीं होगा, जहाँ फैसिज्म नहीं होगा, जहाँ गुंडा राज नहीं होगा, जहाँ इंसाफ की हुकूमत होगी। जो वेलफेयर स्टेट होगा वो स्टेट होगा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का खाक था, वो स्टेट होगा जो हमारे संविधान पे चलने वाला है, ना कि जो मनुस्मृति के ऊपर और उसके पंच ऑफ थॉट्स पे चलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ बात खत्म करेंगे, स्ट्रगल को जारी रखिए जब तक नजीब नहीं आ जाते, दुआ करते रहिए जब तक नजीब वापस नहीं आते, और दुआ और स्ट्रगल करते रहिए जब तक पूरा कंप्लीट चेंज नहीं आ जाता। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद।